अगर आपको रगड़ गाड़ी चाहिए, तो अपने पैसों से प्यार नहीं है तो आप इसको ले लो यार। एक्सेप्टेशंस आपकी कुछ और होती है और आपको मिलता कुछ और है। बहुत से यूट्यूबर्स को देखा भाई जिन्होंने बीपीएफ के रिगार्डिंग बहुत सी अच्छी बातें बोली है, किसी ने भाई बुरी बात। और जब आप कोई काम करवाने के लिए जाते हो ना, सबसे पहले आपके दिमाग में आती है बुरी बातें। ईंट के स्क्रैचेस मार दो, फिर उसके बाद वो सेल्फ हील हो जाएंगे। अगर हम पीपीएफ करवा ही रहे हैं तो भाई ये पीपीएफ करवाने का फायदा है क्या? भाई कभी भी किसी भी यूट्यूबर्स की वीडियो देख करके वो काम कभी मत करो कि भाई आपको बाद में पछताना पड़े। पीपीएफ के क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, वो भी भाई बताएंगे। बंदे बोल रहे हैं कि पीपीएफ करवाने का कोई फायदा नहीं है, बट जब आप इसको पीपीएफ को रिमूव करोगे तो इसके साथ पेंट भी बाहर आ जाएगा। काफी टाइम के बाद हम बना रहे हैं ब्लॉग अपने गोप्रो से, वीडियो कर रहे हैं। पापा साहब भाई बहुत ज्यादा गंदी हो रखी है, मौसम था बहुत खराब भाई, कल बारिश हो रही तगड़े वाली। ये रही बुलेरो, आज इसके होने जा रहा है काम। क्या होगा भाई, पीपीएफ गाड़ी देख रहे हो, गंदी हालत इसकी। और उस साइड खड़ी है भाई हमारी ए स्टार, ये देखो रानी, इसको भी स्टार्ट करना है। पहले सारा सामान यहाँ से उठा देंगे भाई, क्योंकि ये जो पीपीएफ के लिए जाएगी ना, तो सारा सामान जो है अपने पास होना चाहिए। यार मुझे पता नहीं मेरी आवाज आ कैसी रही है भाई, अपनी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। हेलो भाई, गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, अपनी ब्रियो को लगा जाते हैं भाई पहले ढंग से। एक टाइम पहले ना पापा को चलाने भी नहीं आती थी, अब पापा ना फुल ट्रेंड है। यही होता है भाई, अगर आप किसी चीज़ को बार बार सीखते हो, चलाते हो, काम करते हो ना किसी चीज़ के ऊपर, तो वो काम सक्सेसफुली डन हो जाता है भाई। तो फाइनली पापा ने ना गाड़ी को लगा दिया है बड़े अच्छे तरीके से। पापा को बोला मैंने, कैमरा आप पकड़ो, मैं गाड़ी को लेकर के आता हूँ। सारा गंदा हो रखा है, इसकी वजह से ना अंदर सारा मैट खराब हो जाएगा। तो उससे पहले तो वाइपर लगाते हैं अपनी गाड़ी में, टैन टैन, गाड़ी एकदम क्लियर हो गया विजन आगे से। हाँ लगाना है, मम्मी बोल रही भाई गाड़ी का नंबर आ चुका है, लगाया क्यों नहीं अभी तक, लगाते हैं जल्दी ही। ठीक है पापा भाई, मम्मी बोल रहे हैं लंच ले लिया, खाना ले लिया, हाँ जी सब कुछ ले लिया, अब हम निकल रहे हैं अपने सफर की ओर। टाइम क्या हो गया भाई, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देखो आप, 8:57 है भाई। यार इसका जो स्टीयरिंग है ना, एक तो ये हार्ड है, हार्ड होने के साथ साथ एक दिक्कत ये है ना भाई, ये बहुत यानी कि हाथ इस पर टिकता नहीं है। इस पर कवर लगाना मैंडेटरी है, अगर इस पर कवर लगाएंगे ना तभी मज़ा आएगा इसको चलाने में, नहीं तो भाई यार ये आपका हाथ पहले घूम जाता है, ये बाद में आता है। ये बुलेरो नियो खतरनाक है यार, सच में यार। अगर आपको रगड़ गाड़ी चाहिए ना और आपको अपने पैसों से प्यार नहीं है तो आप इसको ले लो यार चुपचाप जा करके। ये देखो भाई, भाई इसका साउंड अलग ही लेवल का आ रहा है यार, मैंने सोचा नहीं था कि गाड़ी ऐसी होगी भाई, इतना खतरनाक साउंड आएगा हर जगह से। रैटलिंग नॉइज़ ब्रो, अब आएगा मजा जिंदगी जीने का। अब मैं आपको क्या ही बात बताऊं भाई यार, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, नहीं तो बच्चे के लिए होता है। रिव्यू भाई जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं आपको रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। सीट बेल्ट लगा लेता हूं भाई, ये बहुत दुखी करती है। दिक्कत वाली बात वहां आ जाती है ना, जब आपने एक्सेप्टेशंस आपकी कुछ और होती है और आपको मिलता कुछ और है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो आपको भाई रिव्यू में बताऊंगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। तो भाई साहब एक नया दिन नई शुरुआत, और अभी हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ। हमारे साथ है आज हमारी बुलेरो नियो N10, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे दिमाग में ना बहुत से ख्यालात पनपते हैं। जैसे कि भाई मैंने जब गाड़ी लेनी थी तो मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा, बहुत से रिव्यूज देखे, और आपको बता दूं भाई जब मैंने ये गाड़ी ले रहा था ना, तो मैंने पता कौन कौन सी गाड़ियां देखी थी, एक जिमनी देखी थी और एक बुलेरो नियो देखी थी। फिर उसके बाद मैंने इनके रिव्यूज देखे कि कौन सी गाड़ी हमारे लिए जो है बेस्ट रहेगी। फिर उसके बाद जो है भाई कंक्लूजन ये निकला, हम लेकर के आ गए हमारी बुलेरो नियो, जो कि देखने में बड़ी थी, बस इसमें एक ही चीज की कमी थी, 4x4। अगर 4x4 होती ना भाई इसमें मजा आता। इस सेगमेंट की और कोई भी गाड़ी भाई नहीं आती है बुलेरो नियो जैसी है। अभी आज का जो वीडियो रहने वाला भाई वो है हमारा पीपीएफ के रिगार्डिंग। जहां से मैं पीपीएफ करवा रहा हूं ना, वहां पे मैं साई देकर के आ गया था 1000 रुपीज, जैसा कि सभी करते हैं वैसा मैंने भी किया भाई, यूट्यूब में सर्च करना शुरू कर दिया। भाई मेरा गला ना खराब है, अभी भी ठीक नहीं हुआ हूं मैं। भाई पीपीएफ के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा भाई जिन्होंने पीपीएफ के रिगार्डिंग बहुत सी अच्छी बातें बोली है, किसी ने भाई बुरी बातें बोली है। और जब आप कोई काम करवाने के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है बुरी बातें। अगर जैसे झाड़ियों से कोई छोटा मोटा स्क्रैच पड़ा हो ना, तो वो सेल्फ हीलिंग हो जाता है। जैसे कि अगर आप कपड़े के वो निशान पड़ते हैं ना, तो वो सेल्फ हील होते हैं, ना कि भाई अगर आप इसमें ईंट के स्क्रैचेस मार दो फिर उसके बाद वो सेल्फ हील हो जाएंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोच करो यहाँ पे स्क्रैच आ गया, अब स्क्रैच आने के बाद मैंने इस गाड़ी पे पेंट करवा दिया, पेंट करवाने में उतना खर्चा नहीं आएगा भाई जितना खर्चा आपका पीपीएफ में आ जाएगा। पीपीएफ का क्या रहता है भाई, इतना सा पैनल है जो है ना भाई 5 से 6
6000 के बीच में PPF होगा इसको। और रही भाई 5 साल की वारंटी, तो वारंटी सिर्फ होती है कि भाई कहीं से फूल ले गई या कुछ और होगा तो वो अपने एंड से करेंगे, अदरवाइज जो है भाई आपकी पॉकेट से ही जाएगा। अगर हम PPF करवा ही रहे हैं तो भाई ये PPF करवाने का फायदा है क्या? इतना पैसा खर्च कर भी रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी के लिए क्या फायदा है क्या नुकसान है। मैं अपनी गाड़ी में जो PPF करवा रहा था भाई, वो करवा रहा था मैट। अब मैट के ना भाई नुकसान मुझे बहुत से दिखाई दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं तो पता क्या सोच रहा हूँ कि अपना ये जो बोनेट है इस पे PPF करवा दूँ सिर्फ फ्रंट पैनल, और मैं PPF करवा दूँ भाई अपने ये जो साइड पैनल्स हैं, दो डोर हो गए और ये वाला जस्ट सिर्फ एक ये पोर्शन हो गया, यानी कि नीचे नीचे वाली जो PPF है भाई वो कंप्लीट करवा दूँ, ना कि पूरी गाड़ी को, वो भी भाई ट्रांसपेरेंट PPF। तो देखते हैं उसकी क्या कॉस्ट बैठती है भाई। इतने ज्यादा पैसा मैं इसके ऊपर खर्च नहीं करूंगा कि भाई मैं एक्सट्रीम लेवल 70-80 हज़ार रुपए खर्च करके फिर बाद में पछताऊं कि भाई इतना ज्यादा पैसा रखने के बाद जो है फिर आपको पछतावा हो। इसलिए भाई सबसे पहले दिमाग लगा करके काम करो, बाकी भाई उन भैया से बातचीत करते। ये तो मेरे ख्याली पुलाव है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ PPF करवाने से पहले। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो के साथ शेयर करता ही रहूंगा। चलते हैं भैया के पास और दिखाते हैं कि भाई PPF के फायदे और नुकसान क्या रहेंगे। और फिलहाल भाई जो मेरे दिमाग में खुरापात चली हुई थी ना भाई, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैं हमेशा एक ही चीज बताता हूँ अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जितने भी मुझे फॉलो करते हैं कि भाई कभी भी किसी भी यूट्यूबर्स की वीडियो देख करके वो काम कभी मत करो कि भाई आपको बाद में पछताना पड़े। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कोई बंदा जिमनी ले रहा है और जिमनी के ऊपर ही वीडियो आती जाती है, और यूट्यूब का ये एल्गोरिथम है भाई, अगर आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करते हो तो भाई वो टॉपिक बार बार शो होता है और आपका जो माइंड है ना उसी साइड डाइवर्ट हो जाता है। सबसे पहले भाई चीजों को परखो। अगर आपने जिमनी लेनी है तो भाई जिमनी को पहले चलाओ, एक बार नहीं दो बार नहीं भाई तीन बार चला लो, रेंट पे ले लो भाई चलाने के लिए, उसके बाद लो। कोई भी गाड़ी आप बाय कर रहे हो, कोई भी बाइक प्लान कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो भाई प्लान, सबसे पहले उसको चलाओ, देखो भाई वो आपके लिए बनी भी है या नहीं। आपको प्यार है स्पीड से, आपको प्यार है कि आपको गाड़ी भगानी है जैसे आप चाहते हो वैसे भगाओ, वो चीज आप नहीं कर सकते अपने बुलेरो में, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और इसका जो गियर है ना भाई ये कुछ अजीब सा हिल रहा है और इसमें से भी कुछ अजीब सा साउंड आ रहा है। गाड़ी चली है मेरी खाली अभी 392 किलोमीटर only, और प्लस भाई रैटलिंग नॉइस इस वाले दरवाजे से आ रहा है। क्या जो म्यूजिक सिस्टम है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों भाई, इससे अच्छा तो मेरी A-Star का म्यूजिक सिस्टम है। प्लस भाई जो स्पीकर क्वालिटी है इतनी बेकार स्पीकर क्वालिटी है भाई, क्या बताऊं मैं आपको भाई, चेंज करके ही फायदा होगा। इवन भाई टॉप मॉडल है भाई, कंपनी को देखना चाहिए टॉप मॉडल में कुछ तो चीजें यूनिक दे दो भाई, कुछ तो चीजें यूनिक दे दो। ये देखो क्या है भाई, ये भी अजीब सा यार, हद है यार, मैं सीरियसली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। ऐसे कोई पेड़ पे हो तो उगते नहीं है भाई। मुझे कॉस्ट करिए गाड़ी 11,80,000 रुपए में। इस प्राइस रेंज में मैं मानता हूँ कि भाई ये गाड़ी अपने में एक बहुत अच्छी है, जब मैं इसको ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाऊंगा वहां पे अच्छा परफॉर्म करेगी। तो भाई सिटी और हाईवे के हिसाब से मुझे ज्यादा कुछ अच्छी गाड़ी लग नहीं रही है। मैं इवन इस पे खर्चा और कर भी रहा हूँ, जैसे कि आप अभी टायर देखे, मैंने टायर चेंज करवा दिए, आज मैं इसको PPF के लिए लेके जा रहा हूँ। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिसअपॉइंट कर देगी और दिल तोड़ के रख देगी भाई आपका। मेरी जो उम्मीद थी ना भाई वो बहुत ज्यादा थी इस गाड़ी से, वो उम्मीद जो भाई नीचे उतरती हुई नजर आ रही है। पता क्या होता है जब आप गाड़ी लेते हो ना तो आपका इच्छा होती है कि भाई आप क्या कुछ ना करो उस चीज के साथ, लोग मुड़ मुड़ के देखे आपको। भाई सेम प्राइस रेंज में मुझे जिमनी कॉस्ट कर रही थी बट मैंने वो ली नहीं। पहुंच चुके हैं डिटेलिंग पापा के पास। इन पहले मेरा था भाई मूड के मैट करवाएं, तो भाई ने हमें अच्छे से गाइड कर दिया था कि मैट और ग्लॉसी में क्या डिफरेंस है। तो जो डाउट मैं आपके साथ सुबह क्लियर कर रहा था कि भाई मेरे अभी थोड़ा सा मन आगे पीछे हो रहा है कि मैं बोनट पे PPF करवाऊंगा, कुछ एक पैनल्स मैंने सेलेक्ट किए थे, तो वो भाई जो है अभी डाउट क्लियर कर देंगे आपका कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में, PPF की क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है वो भी भाई बताएंगे हमें अभी। डिटेलिंग पापा के ओनर जो है, भाई का नाम क्या है? जस्सी लुवाना भाई जी का नाम है। अपनी गाड़ी में प्रोटेक्ट करवाने से पहले बहुत सी चीजें देखता है, जैसे मैंने खुद देखी वीडियोस और उनमें मैंने देखा कि भाई बंदे बोल रहे हैं कि PPF करवाने का कोई फायदा नहीं है। एक बंदा था उसकी गाड़ी इवन XUV700 ही थी उसके पास भी, मैं उसकी वीडियो रात को ही देख रहा था, उसने बोला कि उसकी जो गाड़ी है ना यहाँ से ठुकी हुई थी कहीं से, जो पेंट का कॉस्ट था वो उतना नहीं आया, 2000 के आसपास कॉस्ट आई उसके पेंट की। फिर उसके बाद वो गया PPF वालों के पास तो उसकी कॉस्ट आई 7-8 हज़ार रुपए के बीच में। PPF होने के बाद जो लोग थे वहां पे उन्होंने बोला कि भाई PPF तो हम आपकी कर रहे हैं बट जब आप इसको PPF को रिमूव करोगे तो इसके साथ पेंट भी बाहर आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर डाउट क्लियर करोगे तो बहुत सही रहेगा हमारे लिए भी और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी। तकरीबन हम इस लाइन में 12 साल से हैं, ठीक है, पॉलिशिंग्स वगैरह तो हम पहले से ही करते हैं, लेकिन जो ये कंसेप्ट है इसका कंसेप्ट तकरीबन 2 साल हो गए, लेकिन PPF का कंसेप्ट तकरीबन 1 साल से चल रहा है, और हमने ट्राई सिटी में ज्यादा नहीं तो 1 साल में 150 कार की होंगी PPF की, ठीक है। बहुत सी गाड़ियां एक्सीडेंट होके आई हैं या थोड़ी लग गई हैं
बहुत सारी, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, हमने उतारी है एज इट इज पेंट निकला है। तो ये चीज डिपेंड करती है क्वालिटी के, जो पेंट की क्वालिटी होती है उसके ऊपर। क्वालिटी भी तो है ही, पेंट की क्वालिटी कैसे वो ठीक ही होगी, पेंट ठीक ही रहेगा, लेकिन पीपीएफ की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और जो हम पीपीएफ करते हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जबकि बंदे को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और बंदे आपके पास भी आए कि भाई हमें वही पीपीएफ चाहिए जो आप करते हो। बेसिकली क्या है, अगर हम जब भी आप पीपीएफ करवाएं तो इसका ध्यान रखें पीपीएफ टीपीयू में हो, टीपीयू में। हाँ, एक टीपीटी में होती है, टीपीएच में आते हैं, टीपीएच वो उसमें प्लास्टिक का मटेरियल ज्यादा रहता है। ओके, यानी कि हमारी जो प्लास्टिक है बेसिकली, ओके, पीवीसी प्लास्टिक, ठीक है, उसमें प्लास्टिक ज्यादा रहती है। टीपीयू है, ये अलग मटेरियल है, बहुत फ्लेक्सिबल है। और एक कितने माइक्रोन्स का रहता है, 180, 150, 200? ये कहता है अलग अलग माइक्रोन्स में आता है, ठीक है, 165 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो हमें यूज करना चाहिए वो तकरीबन 185 टू 200 के आसपास होना चाहिए। 185 और 300 के आसपास, 200 के आसपास जो हम यूज कर रहे हैं, 200 और 210 के आसपास है। और इसके अंदर कौन सा हो रखा है अभी पीपीएफ जो गाड़ी में हमने यूज किया, जापान का, ये जापान का है। आप एक बार इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं, इसकी फिनिशिंग आप चेक कर सकते हैं, 0-0 फिनिशिंग रहेगी, साइड से पैनल ऊपर भी हो रखे हैं, तो सारे आप चेक कर सकते हैं। पीपीएफ करते हैं हम तो क्या क्या रिमूव होता है गाड़ी का वैसे नॉर्मली? क्या है, फ्रंट में से कुछ नहीं रिमूव होने वाला, ओके, रियर में से टकिंग करने के लिए हमें टेल लाइट्स रिमूव करनी पड़ती हैं और डोर हैंडल्स, डोर हैंडल्स में सेंसर होते हैं, वो सेंसर भी नॉइज करते हैं, ओके, या उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसलिए हम डोर हैंडल्स को ही रिमूव करते हैं सर, डोर हैंडल्स ही रिमूव होते हैं। चलो ठीक है भाई, ये थे मेरे छोटे मोटे क्वेश्चंस। बाकी हम अपनी गाड़ी पे पीपीएफ करवाने के बाद, जैसे हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, पीपीएफ करवाने के बाद डिटेलिंग में भाई वीडियो तैयार करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल करके आते हैं। फाइनली ये भाई की थार है तो एक बार हम इसे भी देख रहे हैं, भाई ने बना के बहुत अच्छी रखी है यार। ये देखो स्टीयरिंग स्टिच हो रखा है वो भी बहुत प्यारा है, प्लस भाई आप ये वुडन वर्क देख रहे हो, यानी कि प्रीमियम लुक दे रहा है यार था। एयर वेंट्स ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, ग्लोइंग वाले हैं। मुझे अच्छा जो वर्क लगा ना भाई वो है अभी ये सीट कवर, सीट कवर भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी गाड़ी में ये वाले सीट कवर ही लेने, सिंपल सोबर है भाई। और पीछे वाले देखो ये है लुक, और सबसे मेन बात अलॉयज पे आ जाओ भाई, कितने इंच है, 21 इंच, ये 20 इंच, 20 इंच के अलॉय हैं, तो थार तो लग रही है बहुत जबरदस्त। साइड में हमारी बुलेरो खड़ी है, इसको भी बनाते हैं कुछ अलग से। हम अपनी गाड़ी को छोड़ रहे हैं यहाँ पे, उम्मीद है कि हमें कल गाड़ी मिल जाए और हमारी गाड़ी चली है भाई फिलहाल 398 किलोमीटर। सब चीजें ना जरूरी रहती है गाड़ी कहीं पे छोड़ते हो, कि जो हम गाड़ी में करवा रहे हैं भाई पीपीएफ वो पूरा ही करवा रहे हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट में, देखते क्या सीन रहता है क्या नहीं इन फ्यूचर। भाई जब सिर दे दिया उखली में तो अभी क्या पछताना, गाड़ी से अलग ही लेवल का प्यार रहता है अपने को। पेन ड्राइव वगैरह मैंने रखी नहीं थी इस पे और ये मैंने सुबह खाली कर दिया था। गाड़ी की चाबी देते भैया को, बाय बाय हमारी रानी, अभी ये मिलेगी भाई आपको अलग लेवल में। पहले इसका छोटे मोटे सिनेमैटिक्स दिखा देते हैं आपको कि गाड़ी में क्या है। भाई एक जगह ना गाड़ी में स्क्रैच भी पड़ गया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ पे है। ये देखो भाई यहाँ पे छोटे छोटे से स्क्रैचेज हैं, ये इन सब स्क्रैचेज से बचने के लिए तो भाई मैं पीपीएफ करवा रहा हूँ। मेरी आवाज़ पता नहीं आपको आ पा रही है अच्छे से या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सी गाड़ियाँ चल रही हैं। रुक जाओ थोड़ा सा ना माइक को ऊपर करता हूँ। तो जितनी भी गाड़ी गंदी हो रखी है ना भाई, सबसे पहले तो वॉश करेंगे इसको और उसके बाद जो है गाड़ी आएगी एकदम बम बन के। आई थिंक ये जो एप्ट्रा 82 लगा हुआ ना गाड़ी में, ये भी इसको साफ करेंगे तो वाइट निकल करके वापस आएगा। कुछ एक सिनेमैटिक्स दिखाते हैं फिर आपको दिखाते हैं भाई गाड़ी बाद में। हमें खोजना पड़ेगा एक ऑटो, गाड़ी हमारी वो रही यहाँ पे, अब ये देखने को मिलेगा भाई कातिलाना लुक के साथ। मजा ही तभी आता है जब आपको गाड़ी ना ऐसी छोड़ दो आप, उसके बाद जब देखने को मिलती है ना। अब ये देखो भाई ये है चंडीगढ़ का आईटी पार्क, जैसे यहाँ पे है और ये है राउंड अबाउट और यहाँ पे है डिटेलिंग पापा। भाई अपनी गाड़ी को खुद से दूर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता भाई, चलोगे पर्सनल जो अनमोल है ना क्लाउड 19 हॉस्पिटल है। तो भाई कभी कभी ना ऐसे भी मज़े लेने चाहिए ऑटो के, खुली हवाएं इधर उधर से। जो जो मेरे डाउट्स थे ना वो मैंने पूरे सॉर्ट आउट कर लिए हैं भाई के साथ, कि जो अब जब हमने गाड़ी में पीपीएफ करवाते हैं तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। भाई मैं पहले सोच रहा था कि अपनी गाड़ी में करवाते हैं मैट पीपीएफ, तो भाई ने हमें बता दिया कि अगर मैट पीपीएफ करवाते हैं और जब उसको रिमूव करते हैं ना तो यानी कि 20% चांसेस होते हैं कि आपकी गाड़ी का जो पीपीएफ होता है ना भाई
वो पेंट भी साथ में लेके आ जाता है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई मैट पीपीएफ नहीं करवाएंगे, भाई हमें नहीं बनना यूनिक, हमें अपनी गाड़ी से प्यार है। तो अपनी गाड़ी से जब प्यार होता है ना तो कोई भी फालतू की परेशानी नहीं झेलनी है। क्यों? जो हमारी बात भाई से हुई है गाड़ी को पीपीएफ करवाने के लिए, वो आपको मैं प्राइस बताऊंगा बाद में कि हमने किस प्राइस में जो है फाइनल किया है। भाई अभी हम अपनी गाड़ी में करवा रहे हैं ग्लॉस पीपीएफ। जो भी मैं काम करवा रहा हूँ अपनी गाड़ी का, फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, तो पहले मैं देखूंगा परखूंगा और खुद एक बार ट्राई करके, ट्राई करने के लिए तो दे ही दिया भाई, बट एक बार देख लूंगा अगर गाड़ी में काम ओके होता है तो आप भी करवा सकते हो भाई। पहले मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ फिर भाई आप ये काम आगे करवाना, अदरवाइज अभी किसी को भी रिकमेंडेड नहीं है। के बाद ही भाई एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि भाई ये अच्छा है या नहीं। पहले खुद गाड़ी को चला लूंगा, एक दो ट्रिप कर लूंगा उस पर, जब कंप्लीट हो जाएंगे ट्रिप भाई फिर उसके बाद आपको हिदायत दी जाएगी कि भाई ये लगवा लो या नहीं लगवाओ, समझ रहे हो। अपना पैसा फालतू में वेस्ट ना करें, मैं तो कर ही रहा हूँ भाई आप सबके लिए, आपने नहीं करना है।